हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गुजिया, होली स्पेशल गुजिया। अभी हम गुजिया बना रहे हैं और गुजिया के लिए हमने मैदा ले लिया है। अच्छे से छान लेंगे। नमक हम एक पिंच डालेंगे। मैदे के अंदर हम घी ऐड करेंगे ताकि हमारी करंजी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो। ये शुगर है, शुगर हमने थोड़ी सी ली है ताकि हमें चीनी ज़्यादा पसंद नहीं। केसर के धागे हम डालेंगे इसके अंदर ताकि कलर एकदम बढ़िया सा आए। थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करेंगे ताकि कलर बहुत अच्छा आएगा प्यारा सा। पानी डाल के हम आटा, ठंडा ही पानी इस्तेमाल करेंगे आटे के लिए ताकि आटा टाइट सा लगे। हमने आटा गूंद लिया है, अब देख सकते हो कलर कितना प्यारा सा आ चुका है और हम इसकी लोरिया बनाएंगे। छोटे छोटे नींबू की साइज़ की करेंगे हम। चाशनी तैयार कर दी है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने घोल घोल सी गेंद ले ली है और अच्छे से हमने छोटी पूरी जैसी बना दी है। फिर इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा पानी लगाएंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा चिपक का चिपक कि हमारा मिक्सचर चिपका रहे। फिर जो हमारे पास जो वो था उसके ऊपर हमने रख दिया है। ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है। फिर ये पूरी आराम से आप ऊपर रख दीजिएगा, परफेक्टली प्रेस कर दीजिएगा। फिर जो हमने मिक्सचरन बनाया था वो यहाँ पर डाल देंगे। 1-2 स्पून डालेंगे हम। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो 1 स्पून ही आप ऐड कीजिएगा और अच्छे से आप क्लोज कर दीजिएगा हल्के हाथों से।
आप अच्छे से ऐसे क्लोज कर दीजिएगा जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, और टाइट प्रेस कर आप देख दीजिए, और सकते हो जो मेरे साथ बाहर मेरे वाला पास पार्ट है वो सब्जेक्ट आराम से मेरे निकाल हाथ में दीजिएगा प्रेस अपने कर हाथों दिया से है। ही जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं। इसे आप आराम से निकाल दीजिएगा, साइड सारी क्लीनली आप निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा शेप आ चुका है। यहाँ पर हम लोग दूसरी स्टाइल से भी दिखा रहे हैं। अगर आपके पास वो चीज़ ना हो, अगर आपको ना मिले मार्केट में, तो आप सिर्फ ऐसे घोल पूरी टाइप करके और बीच में जो मिश्रण था वो भर के और साइड से ऐसे कर दीजिएगा। साचा ना रहने से भी हम बना सकते हैं हल्के हाथों से सब प्रेस करके। इससे पूरी डिजाइन आ जाएगी, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो हमारा तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, इसलिए हम इसके अंदर रखेंगे। इसे आप अच्छे से दो साइड टर्न करके अच्छे से सेक लीजिएगा। ये थोड़ी सी ब्राउन सबको पसंद आती है, किसी को ऐसे वाइट ही पसंद आती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। हमने यहाँ थोड़ी क्रिस्पी टाइप ही रखी बनाई थी। फिर इसे अच्छे से हम लोग निकाल के जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें डाल देंगे हम लोग, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी चाशनी वाली करंजी भी रेडी हो चुकी है, और प्लेन भी हमने साइड में रखी थी। देखो कितनी यमी लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ऐसी वाली खाते हैं, इसलिए हमने ये वाली जो चाशनी वाली है वो कम बनाई। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी होली।